बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इनको कोई रोक न पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। सिंचाई के लिए अनुदान पर डीप बोरिंग और समरसेबल पंप सेट देने की है योजना। फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए गैर कार्यान्वित जिलों में राज्य बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फाल बाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। राज्य के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहली योजना में सरकार डीप बोरिंग करा के समरसेबल पंप सेट उपलब्ध कराएगी। इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए है, जबकि दूसरी योजना में सरकार किसान के माध्यम या निचली जमीन में तालाब निर्माण कराएगी। इन दोनों योजनाओं में सरकार 90% अनुदान देगी। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पपीता का फलबाग लगाना चाहते हैं तो पौधा रोपण के साथ साथ प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन तकनीक भी उपयोग करें। साथ ही पौधों की सही बढ़वार और बेहतर फलन के लिए जैविक खाद कंसोरसिया का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। प्लास्टिक मल्चिंग से पपीता के नन्हे पौधों को अनुकूल ताप और नमी मिलेगी। इससे रोग और कीट नहीं लगेंगे तथा पौधों की बढ़वार भी तेज होगी। ड्रिप इरिगेशन से सीधे जड़ों की सिंचाई होगी और पानी की बचत भी होगी, जबकि कंसोरसिया नामक जैविक खाद डालने से अधिक फल लगेंगे जो बड़े एवं गुणवत्तापूर्ण होंगे। तकनीक की बात करेंगे तो पपीता की कमर्शियल स्केल में अगर आप ड्रिप और मल्चिंग के साथ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है लगभग 15-20% या 30% तक भी बढ़ सकता है और आपकी गुणवत्ता, फल का आकार भी बढ़ेगा। इसी के साथ में अन्य तकनीक में हम अगर बात करते हैं तो बहुत सारे आजकल जैविक खाद आ रही है और जो कंसोर्शिया, खास करके जो हमारा जो ICR का IHR बेंगलोर में संस्थान है वहाँ पे अर्का माइक्रोबेल कंसोर्शिया आता है पपीता के लिए, उसका अगर हम डालते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो पेड़ का जो आकार है, पेड़ की बढ़ने की क्षमता और उसमें फल लगने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए पूरा मार्च महीना बुआई कर सकते हैं। झारखंड में गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाथों से मूंगफली का दाना निकालने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंडनट डिकोटिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने से गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इससे पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी, ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30-70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9-60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10-69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और ऐसे में किसान भाई बहन अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड एक कृषि प्रधान प्रदेश है, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो किसान भाई बहन आगात खेती का भी सोचते हैं। ऐसे में गर्मी की शुरुआत में ही गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियों की खेती होती है, पत्तेदार सब्जियां कौन सी होंगी, तो इस संपूर्ण जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। गर्मी का मौसम आते ही हमारी थाली में से सब्जियों का रंग बदलने लगता है। इस मौसम में हमारी थाली खीरा, ककड़ी, लौकी, झींगा, नेनुआ, करेला से भर जाती है। इसके अलावा इस मौसम में तरबूज, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च आदि की भी खेती होती है। इन सब्जियों को यदि जाड़े के मौसम के तुरंत बाद लगाई जाए
तो गर्मी के मौसम में ये बाजार में आ जाते हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा दे जाते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। गर्मी के मौसम में किसान भाई, आप जानते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम की बात आती है तो तुरंत से खीरा, ककड़ी, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला की याद हमें आती है और तरबूज की याद आती है। निश्चित रूप से ये गर्मी की बेहतरीन सब्जी हैं और इसकी बुआई का समय जैसे जाड़ा कम होने लगता है इसकी बुआई शुरू हो जाती है और गर्मी के आगमन के साथ ही बाज़ार में ये सब्जियाँ मिलने लगती है। आप जितना जल्दी लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, ककड़ी और तरबूज को अपने बाज़ारों पर लाएंगे, शुरुआत में 50-60 रुपये केजी से धीरे धीरे होते हुए 20-15 रुपये केजी तक ये आ जाता है, तो जितना जल्दी आप इसे लगाएंगे उतना अधिक आप इसका लाभ कमाएंगे। बाज़ार में बहुत सारे प्राइवेट के प्रभेद उपलब्ध हैं, आप उसका चयन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से रिलीज हैं, उन प्रभेदों का भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जियाँ हैं जैसे भिंडी, उसके अलावा कुछ पत्तेदार सब्जियाँ और फिर बोदी जिसको कहते हैं काउपी, उसका भी आप गर्मी में खेती कर सकते हैं। टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की भी आप खेती कर सकते हैं, इनका भी बहुत अच्छे से होता है। और हमारा जो प्रदेश है झारखंड प्रदेश, जो जाड़े की सब्जियां हैं वो भी हमारे यहाँ गर्मी और बरसात में होती है, खासकर फूलगोभी और बंधा गोभी के भी जो गर्मा के लिए उपयुक्त प्रभेद है, गर्मा के लिए ट्रॉपिकल टाइप जो है उसका आप चयन करके उसकी भी आप खेती, फूलगोभी, बंधा गोभी की भी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते। किसान भाइयों, इस मौसम में लगने वाली लतेदार सब्जियां जैसे कि नेनुआ, झींगी, करेला, कद्दू तथा तरबूज आदि की खेती पारंपरिक विधि चेक बेसिन मेथड से करते हैं। इस विधि में थाले में 2 से 3 बीज DAP, पोटास आदि डाल देते हैं, फिर हर थाले को जोड़कर पारंपरिक तरीके से सिंचाई करते हैं। यदि पानी का अभाव है तो ऐसी स्थिति में मल्चिंग तथा टपक सिंचाई प्रणाली का सहारा लेना उचित होता है। देखिए, आम तौर पर जो लत्तेदार सब्जियां हैं, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, कद्दू, इस तरह की चीज़ें हैं, तरबूज, इसकी खेती हमारे किसान भाई पारंपरिक तौर पे चेक बेसिन सिस्टम से करते हैं। छोटे छोटे बेसिन बना लेते हैं, थाला बना लेते हैं, उसमें 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं, उसी में DAP पोटास डालते हैं, राख डाल देते हैं लकड़ी का और कंपोस्ट डाला जाता है। इनको करके आप उसको इस तरीके से और सभी थाला को एक दूसरे से जोड़ दें और वो सिंचाई करिए, पारंपरिक मेथड है ये। अगर आपके पास समुचित पानी है तो इस मेथड से आप खेती करें, बहुत अच्छा फसल होगा। लेकिन आपके पास पानी की कमी है, थोड़ी पूंजी है, तो आप इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं और ड्रिप से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप का पाइप बिछा देंगे, मोटर से ड्रिप चला देंगे, डेली 15 मिनट आप चलाएंगे, तो जहाँ पे जो थाला मेथड से 1 एकड़ में खेती कर सकते थे, ड्रिप में आप उसी को सीधे 3 से 4 एकड़, 5 एकड़ तक में आप उतना ही पानी से खेती कर पाएंगे। भिंडी की खेती में टपक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्यारी बनाकर सिंचाई की जा सकती है, जबकि तरबूज, लौकी, खीरा और नेनुआ आदि में टपक प्रणाली का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। भिंडी की, तो भिंडी में भी ड्रिप की कर सकते हैं, लेकिन भिंडी में ड्रिप ना भी करें तो उसको चैनल बना के, नाली बना के उसमें भिंडी की बुआई करके आप उसकी खेती कर सकते हैं, छोटी छोटी क्यारी में कर सकते हैं। बोदी को भी उसी तरीके से कर सकते हैं और कैबेज, बंधा गोभी, फूलगोभी या टमाटर, बैंगन की खेती जैसे आप करते हैं आप कर सकते हैं। गर्मी में मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि तापमान ऐसे रूट का, जड़ के पास का बढ़ जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन तरबूज का और लौकी, खीरा, नेनुआ, झींगी का आप ड्रिप लगा के, मल्चिंग देके गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं। सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई के अलावा बीजों के प्रभेद का चुनाव बहुत ही जरूरी है, इसी पर पूरी फसल की गुणवत्ता और पैदावार निर्भर होती है। गर्मी की सब्जियों के लिए गर्मा बीज का ही चयन करना चाहिए, फिर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बीज उन्नत प्रभेद के हों तथा रोग रोधी किस्म के हों। देखिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचाई तो ज़रूरी गर्मी में होता ही है, प्रभेद बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप प्रभेद का चयन करें ये देख लें, ज़्यादातर जो गर्मा में फसल होता है वो बरसात में भी होता है, ठीक है। आप प्रभेद का जब चयन कर रहे किसान भाई, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जो बीज आप खरीदने गए हैं, जहाँ से भी आप खरीद रहे हो, वो गर्मा के लिए उपयुक्त है कि नहीं। कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए हम अगर एक सब्जी का नाम ले लें, लौकी का ही बात कर ले, तो कुछ प्रभेद हैं जो बरसात में होते हैं, कुछ गर्मी में होते हैं, कुछ प्रभेद ऐसे हैं जो कि दोनों मौसम में होते हैं।
लेकिन आप ये सुनिश्चित करें जो भी गर्मा फसल ले रहे हैं वो गर्मी में कर रहे हैं तो गर्मी के लिए उपयुक्त है कि नहीं। जैसे मैंने कहा फूलगोभी बंदा गोभी अगर आप गर्मी में करेंगे, जाड़े वाले कर लेंगे तो फूलगोभी बंदा गोभी का ना उसका हेड बनेगा ना फूलगोभी में फूल आएगा, कर्ड बनेगा। उसी तरीके से लौकी नेनुआ झिंगे भी अच्छा नहीं करेगा, बीमारी कीड़े का ज़्यादा प्रकोप होगा, क्रॉप का जो फसल है उसका बढ़वार ही सही नहीं होगा। तो पहले प्रभेद का चयन सुनिश्चित करें। जो भी आजकल बाज़ार में बहुत प्रभेद है, प्राइवेट कंपनी सब्जियों के जो हाइब्रिड्स हैं या दूसरे उन्नत प्रभेद हैं उसकी एक बल्क में है, बहुत सैकड़ों में 500-400 प्रभेद आपको मिलेंगे, एक एक फसल के 50-50 वैरायटी मिलेंगे। तो जो भी आप खरीद रहे हो ये सुनिश्चित करें कि उन्नत बीज हो, अच्छे कंपनी का बीज हो और वो गर्मा के लिए हो, साथ ही साथ रोग रोधी हो। जैसे कोई भी आप लौकी नेनुआ झिंगी करेला कद्दू कुछ भी लगा रहे हैं तो इसमें वायरल डिजीज लगता है, बिगोमो वायरस होता है, तो उस वायरस से रोग रोधी किस्म को आप लगाएंगे तो आपकी एक समस्या से तो टल गया। अब दूसरी बात अगर आप करते हैं भिंडी ही लगा रहे हैं उसमें भी पीला सीरा रोग होता है, एलोवेन मोजाइक डिजीज होता है, तो अगर आप उसका रोग रोधी किस्म उपलब्ध है जो भी हाइब्रिड लगाएं या उन्नत प्रभेद लगाएं आप रोग रोधी किस्म ही चयन करें। बोधी लगाएंगे उसके लीफ में भी पीले पीले होते हैं, उसको लीफ मोजाइक हम लोग कहते हैं, पीला पत्ती रोग हो जाता है, तो उससे भी रोग रोधी किस्म उपलब्ध है तो आप उसी का ही चयन करेंगे और लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब्जियों की खेती करते वक्त कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे भूमि ऊंची ना हो, निचली जमीन हो जहां जल धारण क्षमता अधिक हो, कंपोस्ट डालने में मात्रा का पूरा ख्याल रखें, कीटों के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए कीटों का प्रबंधन अवश्य करें कि समुचित मात्रा में, चूँकि गर्मी में जल धारण क्षमता भी आपको रखना है, आपको ऊँची जमीन पर नहीं लगानी है, टाड़ वाली बलवाही ज़मीन में नहीं लगानी, थोड़ी भारी मिट्टी में लगानी है, थोड़ी नीचे वाली ज़मीन में, दोन वाली मिट्टी में, नदी के किनारे वाली ज़मीन में लगाएं जहाँ सिंचाई का भी साधन हो, थोड़ी मिट्टी भी उपजाऊपन और जल धारण क्षमता अधिक हो उसमें लगाएं। समुचित मात्रा में कंपोस्ट हम उसमें डालें, FYM डालें, कंपोस्ट डालें ताकि जल धारण क्षमता बढ़े और एक माइक्रो क्लाइमेट उसका अच्छा हो, ठंडापन रखे जड़ को और अच्छा उत्पादन दे, ये बात हुई। दूसरी हुई जो फर्टिलाइजर डोज नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की बात हम लोग करते हैं, ज़्यादातर सब्जियों में कुकुरबिट्स में 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटाश देने की ज़रूरत होती है, उसके दर को आप सुनिश्चित करके ही दें। बुआई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा मिला दें और नाइट्रोजन की DAP के रूप में दिए हैं तो जो बुआई के समय डला गया है जो बाकी हुई मात्रा है उसको 2-3 अलग अलग खुराक में दें, और जब भी दें तो कोड़ाई हल्का ज़रूर कर दें। खरपतवार कम होता है गर्मी में भी, खरपतवार से आप नियंत्रण रखें, कीटों से आप विशेष प्रबंधन करें क्योंकि ज़्यादा कीड़े नहीं लगते, लेकिन शुरुआत में ही इसमें लाल रंग के जो पंपकिन विटल होते हैं वो भी सब में लगते हैं, सारे क्रॉप्स में लगेंगे, फिर रस चूसने वाले छोटे छोटे फिर जैसेड्स और व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़े लगते हैं, तो इन रस चूसने वाले कीड़ों से भी और पूरे पत्ते को खा जाने वाले जो होते हैं रेड पंपकिन बिटल्स होते हैं, भगजोगनी जिसको कहते हैं आप लोग, उस तरह के कीड़े होते हैं वो डैमेज करते हैं, तो इससे अपने फसल को सुरक्षा अर्ली स्टेज में शुरुआती दिनों में निश्चित रूप से करें, नहीं तो आपका फसल शुरू में ही अगर कीड़े डैमेज कर देंगे तो ग्रोथ नहीं ले पाएगा। अब जब लत्तर फैलना शुरू हो जाएगा, पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये कीड़े आपके फसल का बहुत नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर हम गर्मी के मौसम में सब्जियों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं तथा उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हर पत्ती की तो बात हो गई लेकिन पत्तेदार सब्जी की बात नहीं हुई, तो बिल्कुल हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जी की। तो पत्तेदार सब्जियों की जो है वो खेती कैसे की जाए, क्योंकि पत्तेदार सब्जी काफ़ी पौष्टिक भी होता है और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है, और ऐसे में किसान भाई बहन इसकी खेती ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानते हैं कि पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी हैं जो अभी इस वक्त लगाने के लिए उपयुक्त हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी मांग बाजार में सालों भर रहती है, मौसम के हिसाब से इन सब्जियों के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जाड़े के मौसम में पालक तथा बरसात के मौसम में गेंदारी या लाल साग की कीमत कम होती है। यदि हम इन सब्जियों को मुख्य सीजन से आगे या पीछे लगाएं, तो इनका मूल्य बाजार में बहुत अच्छा मिल सकता है। आज हम आप पहुंचे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र BAU, जहां पे हम जानेंगे कि हरे पत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे की जाती है और उसे कैसे कैसे लाभ कमाया जा सकता है। हरे पत्तेदार सब्जियों का बाजार में पूरे सालों भर हर महीने मांग होता है,
और कुछ महीने में तो इनका मूल्य कम होता है, खासकर जाड़े के महीने में, और बरसात में थोड़े कम हो जाते हैं। खासकर जाड़े में पालक का दाम थोड़ा कम रहता है। बरसात के महीने में जो चौलाई या गंधारी साग या लाल साग आप कहते हैं, अमेरेंथस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मूल्य थोड़ा कम रहता है। लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे अगर हम इसको लगाएं मेन सीजन से, तो इसका मूल्य बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक है कि जैसे पालक की बात है, बहुत पोषक तत्व से भरपूर होता है, आयरन बहुत होता है, विटामिन इसमें बहुत होते हैं। साथ ही साथ जब हम गंधारी साग या लाल साग कहते हैं, ये दो तरह का अमेरेंथस होता है, एक लाल और हरा होता है। लाल वाले में एंथोसाइनिन बहुत होता है, इसमें विटामिन ए भी होता है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो ये भी बहुत अच्छा साग है। दूसरी तरफ जाड़े में मेथी का साग उपलब्ध होता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत फ़ायदेमंद है। मेडिसिनल गुण, औषधीय गुण इसमें होते हैं, पोषक तत्व के अलावा औषधीय गुण है। ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है, ब्लड शुगर के लेवल के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि धनिया पत्ता, वैसे धनिया तो एक मसाला है, लेकिन हमारे प्रदेश में झारखंड में खासकर धनिया की खेती और मेथी की खेती हम लोग साग के लिए करते हैं, धनिया पत्ते के लिए करते हैं। सालों भर धनिया पत्ते का डिमांड होता है। बरसात में तो ये 400 से 500 रुपये प्रति केजी के दर से बिकता है। इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, पोषक तत्व और खनिज लवण तो होते ही हैं। धनिया हमारे किडनी को सुरक्षा देने में इसके पत्ते और इसके बीज बहुत उपयोगी हैं। एक तरह से हम ये कहें कि हमारे किडनी की सफाई ये करता है, हमारे किडनी का जो मूत्र को जो छनने के काम करता है नेफ्रॉन, उसके लिए ये टॉनिक का काम करता है। किसान भाइयों, पालक साग, गेंधारी या लाल साग, मेथी तथा धनिया हमारे शरीर के लिए दवा के रूप में काम करते हैं। इनकी खेती छोटी क्यारी बनाकर की जा सकती है। हालांकि इनकी बुआई में छींटा विधि का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसे 12 से 13 सेंटीमीटर की कतारों में लगाएं तो इनके पौधे ज्यादा स्वस्थ होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें, तो हम लोग जानते हैं कि इसकी खेती के लिए हम लोग छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, और वैसे हमारे किसान भाई इसे बुआई कर देते हैं छींटा विधि से, मिक्स करके ऐसे ही बीज बो देते हैं। लेकिन अगर इसे कतारों में करें, 12 से 15 सेंटीमीटर की कतारों में अगर हम उसको लगाते हैं, तो ये ज़्यादा स्वस्थ पौधे होंगे, ज़्यादा उत्पादन देंगे, जड़ निकालने में आसानी होगी, इसकी हार्वेस्टिंग में आसानी होगी। और हम ये बताते चले कि इन पत्तेदार सब्जियों को अक्सर किसान भाई जड़ से उसे हार्वेस्ट कर देते हैं, उखाड़ते हैं और धो के बेच देते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर के डंठल और पत्ते की कटाई करें और उसके बाद उसको बेचें, तो हम एक ही, चाहे धनिया हो, पालक हो या लाल साग हो या मेथी हो, इसको हम दो तीन कटाई कर सकते हैं एक ही सीजन में। एक ही बार फसल बुआई करेंगे, दो तीन कटाई करके बेचेंगे, और जड़ का पोर्शन नहीं रहेगा तो बाज़ार में दोगुने मूल्य से ये बिकेगा भी, क्योंकि खरीदार को भी आसानी होगी और आपको भी एक ही बार की बुआई से दो तीन फसल मिल जाएगा। किसी भी फसल की पैदावार और गुणवत्ता उसके प्रभेद पर निर्भर करता है। हमारे प्रदेश झारखंड में धनिया के लिए पंत हरितिमा, पूसा तथा गंधारी साग के लिए छोटी चौलाई तथा बड़ी चौलाई, और पालक के लिए ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति तथा मेथी के लिए गुजरात मेथी वन काफ़ी अच्छे प्रभेद माने जाते हैं। धनिया की बात करें तो पंत हरितमा बहुत अच्छी वैरायटी है, पूसा की भी बहुत सारी वैरायटी है, उसे हम लोग कर सकते हैं। जो गंधारी साग है, जिसको चौलाई कहते हैं या अमेरेंथस कहते हैं, लाल साग कहते हैं, हरा रंग का भी होता है, तो इसमें छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई नाम से है, कोयम्पटूर एक, कोयम्पटूर दो, कोयम्पटूर तीन करके वैरायटी है, इस तरह के बहुत सारे प्रभेद हैं, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। पालक का ऑल ग्रीन वैरायटी है, और पूसा ज्योति है, बहुत अच्छा करता है। ऑल ग्रीन का तो कोई जवाब नहीं हमारे प्रदेश में, पत्ते के लिए बहुत अच्छा है, इसकी आप कर सकते हैं। मेथी के भी बहुत सारे वैरायटी हैं, गुजरात मेथी वन जैसे है, उसका आप चयन कर सकते हैं, और पत्ते के लिए इसकी आप खेती कर सकते हैं, सफलतापूर्वक आप इसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में पालक, गंधारी, धनिया पत्ता के अलावा मूली के पत्ते तथा सरसों के साग की भी बड़ी अहमियत है। मूली के पत्ते में तरह तरह के विटामिन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। पालक का बहुत अधिक उत्पादन होता है, जो गंधारी साग है, अमेरेंथस है, उसका बहुत होता है। धनिया पत्ता तो सालों भर है, और हमारे किसान बरसात में इसे लगा के 200 रुपये से 400 रुपये केजी के दर से बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। मेथी का साग को करते हैं। एक चीज़ और मैं बताते चलो, मूली के पत्ता है और सरसों का साग है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है,
अगर हम साग की कैटेगरी में रखें तो हम लोग जानते हैं सबसे अच्छा साग पालक होता है, लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि मूली के पत्ते जिसे आप फेंक देते हैं वो सबसे बेहतरीन साग है। उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, सारे पोषक तत्व तो उसमें उपलब्ध हैं। अगर हम कहें कि अगर हम एक पोषक तत्व की और खनिज लवण की एक तालिका बना लें और देखें तो सबसे एक नंबर पे मूली का पत्ता आएगा साग के रूप में। तो हम लोग मूली के पत्ते को भी साग के रूप में इस्तेमाल करें, साथ ही साथ सरसों का साग, जो अक्सर जाड़े में जो सरसों लगाते हैं तो सरसों घना गिर जाता है, तो सरसों या यहाँ पे लोकल जो होता है लोटनी जिसे हमारे किसान कहते हैं राई सरसों, उसका तो और अच्छा होता है, तो उसका डायरेक्ट साग हम खा सकते हैं, उसको सूखा के रख सकते हैं, बाद में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फुटकल का साग माड़ के साथ किए हम इसको भी करके कर सकते हैं, हमारे ट्राइबल पीपल्स झारखंड के गांव के लोग करते हैं, उसका भी कूलिंग इफेक्ट है, पेट को ठंडा देता है, औषधीय प्रॉपर्टीज भी है, और जो गरीबों के लिए जो दाल नहीं कर सकते हैं चावल के साथ इंतजाम, वो लोग इस साग को माड़ के साथ करके करते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है। अपने प्रदेश में तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियाँ पाई जाती हैं, ये पौष्टिक तथा औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, अतः इनकी खेती करके किसान भाई इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो देखा किसान भाई बहन कि आपको कौन कौन सी सब्जी लगानी है और उसको पूरी तरह से व्यवस्थित कैसे करना है, कब काटना है, कब उसमें खाद डालना, सारी चीज़ें आपने जान ली। अब आप हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि अगले अंक की भी तैयारी करनी है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो भी हमारे विशेषज्ञ ने बताया उस पर अमल आप ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।